हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए आलू पराठा की रेसिपी लेकर आई हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं आलू पराठा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, आलू पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 6-7 मीडियम साइज़ के आलू को उबाल लिए हैं और हम इसमें 2 सूखी मिर्च फ्राई करके दे रहे हैं। 1 बड़ा साइज का अनियन हमें फ्राई करके इसमें देना है। अब अनियन और सूखी मिर्च को अच्छे से आलू के साथ मिक्स कर लेना है और नमक मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच यूज़ कर रही हूँ। बाद में टेस्ट करके मैं फिर डाल दूँगी अगर कम हुआ तो। चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अनियन और सूखी मिर्च को, ये देखिए। और इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता। धनिया पत्ता आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम भी डाल सकते हैं। और हमें इसमें भुना मसाला डालना है, तो मैंने यहाँ पर जीरा, धनिया और सूखी मिर्च को फ्राई करके, रोस्ट करके हमने इसका पाउडर बना लिया है। अब हम इसमें आलू में डाल रहे हैं। मैंने यहाँ पर 2 छोटी चम्मच रोस्टेड पाउडर दिया है इसमें। अब सारे मसाले के साथ अच्छे से आलू को मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे 2 छोटी चम्मच तेल हमने लिया था कढ़ाई में और हमें यह आलू भरता को फ्राई करना है। ये देखिए, आलू भरता को हमने फ्राई कर लिया है कढ़ाई में। चलिए अब आटा का डो बना लेते हैं। आटा यहाँ पर मैंने 4 छोटी कप यूज़ किया है। आप जितना पराठा बनाएंगे उस हिसाब से आटे को ले लें। ये देखिए, आटा में हमने 1/2 छोटी चम्मच नमक दिया है और हम अब थोड़े थोड़े पानी देकर आटे को गूंथ लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आटे का डो हमारा बनके तैयार है। अब हम लोई बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा बड़ा सा लोई हमें लेना है और इस तरह से थोड़ा कटोरी की तरह गोल करते हुए हमें बीच में आलू भरना है। आलू वाला स्टफिंग जो हमने रेडी किया है वो आलू को हम डाल देंगे आटे के बीच में। ये देखिए इस तरह से, अब इस तरह से प्रेस करते हुए हमें आटे को, इस तरह से आटे का मुंह को बंद करना है किनारे को। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये तैयार है। अब हम इसे बेल लेंगे। तो इस तरह से हम सारे लोई को तैयार कर लेते हैं आलू का स्टफिंग डाल के। फिर से वही प्रोसेस से हमें किनारे को बंद कर लेना है। सारे लोई को हम इस तरह से तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, सारे लोई हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब चलिए पराठे को सेक लेते हैं।
अब हम इसमें ऑयल देकर सेक लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो इसे वाइट ऑयल में भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट ऑयल में भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल से अगर आप आलू पराठा बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो फ्रेंड्स, आप भी घर पे इसे ज़रूर ट्राई करें। तो आपने देखा मेरा आलू पराठा कितना इजीली मैंने बना लिया है। ये देखिए, दोनों तरफ से ये अच्छे से सेक गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी के पराठों को भी बना लेते हैं। मैं और एक पराठा आप लोगों को दिखाती हूँ बनाकर। जब वन साइड हल्का सेक जाए फिर हमें इसे पलटी करना है और फिर ऑयल लगा देना है। ऑयल हमें दोनों साइड अच्छे से लगाना है, उसके बाद हमें दोनों साइड को अच्छे से ब्राउन होने तक सेक लेना है पराठे को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पराठा वन साइड ब्राउन हो चुका है। देखिए दोनों साइड से ये बहुत अच्छे से सेक गया है। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा आलू पराठा का रेसिपी। तो हमारा आलू पराठा बनके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं फिर आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।